नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशल। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज है 20 तारीख, दिन मंगलवार और दसवीं तिथि। तो आइए बात करते हैं खबरों की जिस पर नजर है देश दुनिया की। फूलपुर के बाद अब मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा चल पड़ी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया और कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। वे आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार से लड़ने के बजाय यूपी में फूलपुर और मिर्जापुर से प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं से भी लड़े, उनकी जमानत जब्त होगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे और वो जगदानंद सिंह के नामांकन का प्रस्तावक बने। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव भी जगदानंद सिंह के प्रस्तावक बने। जगदानंद सिंह के अलावा किसी और ने पर्चा नहीं भरा है, इसलिए उनका निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होना तय है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। दूसरी ओर कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर सियासत गर्म है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में है। कांग्रेस में 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। 19 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक इसके लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हुआ तो 19 अक्टूबर को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मिल जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय हो गया। इससे पहले उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर नई सियासी दल बनाया था। कैप्टन की पत्नी परनीत कौर इस समय पटियाला से कांग्रेस सांसद हैं, वह अभी कांग्रेस में ही रहेंगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय इजिप्ट के दौरे पर हैं। रविवार को 3 दिनों के दौरे पर गए रक्षा मंत्री इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग की संभावनाओं को परखेंगे। साथ ही वह उन बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे जो भारत और इजिप्ट के बीच आपसी सहयोग और गहरा करने में मददगार साबित होंगे। भारत और मिस्र के रक्षा संबंध 5 दशक पुराने हैं। भारतीय वायुसेना की टीम सन 1960 के दशक में काहिरा गई थी। ब्रिटेन में हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में भारतीय उच्चायोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन के लिसेस्टर में पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स ने मंदिर के बाहर भगवा झंडा तोड़ दिया, जिसका वीडियो अब तेजी से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। लिसेस्टर पुलिस का कहना है कि उन्हें इस घटना के बारे में पता है और वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह घटना कुछ दिनों पहले क्रिकेट से जुड़े एक विवाद के बाद आई है। और अब बात करते हैं थॉट्स ऑफ द डे की। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।